दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने घर के इन्वर्टर के लिए कितने एम्पियर का बैटरी लेना चाहिए और कौन सा बैटरी लेना चाहिए। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है दोस्तों कि हमारे एरिया में लाइट्स कितने देर के लिए कटती हैं, और दोस्तों जब लाइट्स चली जाती हैं तो हम अपने इन्वर्टर से कौन कौन से डिवाइस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इन सब के ऊपर दोस्तों डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से दोस्तों आपको तय करना है कि हमारे घर पर कितना लोड है, मतलब कि हमारे इन्वर्टर पर कितना लोड पड़ेगा जब लाइट चली जाएंगी और कितने देर के लिए लाइट्स जाती हैं। तो ये सब कुछ दोस्तों आपको सोचना है कि आप अपने इन्वर्टर से क्या क्या चीज़ चलाना चाहते हो, उसके हिसाब से दोस्तों आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपका जो टोटल लोड है वो कितना है, और उसके माध्यम से दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा बैटरी बेस्ट है, कितने एम्पियर का बैटरी आपके लिए चाहिए। और दोस्तों बैटरी से रिलेटेड मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, जैसे दोस्तों हमें कौन सी कंपनी का बैटरी लेना चाहिए या फिर दोस्तों हमें किस तरह का बैटरी लेना चाहिए, C10 और C20, इन सारे सवाल के जवाब दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सारे वीडियोस को चाहें तो एक एक करके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं कि किस तरह का हमें बैटरी लेना चाहिए। तो दोस्तों सब कुछ कैलकुलेशन के माध्यम से ही पता चलेगा, जैसे लाइट चला जाता है तो जो भी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं वो कितने वाट की हैं, तो ये सारा कुछ कैलकुलेशन के माध्यम से ही पता चलेगा, और कौन सा बैटरी हमें ज़रूरत है ये सारा कुछ हमें कैलकुलेशन के माध्यम से ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम कैलकुलेशन के माध्यम से आपको समझा देते हैं। अब दोस्तों हम आपको कैलकुलेशन के माध्यम से समझा देते हैं कि आपके घर के लिए कितने एम्पियर की बैटरी की ज़रूरत है। सबसे पहले दोस्तों हमें इस चीज़ का ध्यान देना होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चला जाता है तब हम अपने इन्वर्टर से कौन कौन से डिवाइस जो है वो चलाना चाहते हैं। दोस्तों मान लीजिए जो हम डिवाइस चलाना चाहते हैं उसमें हम सबको पहले ऐड कर लेते हैं, सबका नाम जो है वो लिख लेते हैं। जैसे दोस्तों हम सेलिंग पंखा चलाना चाहते हैं, टीवी चलाना चाहते हैं, सेटअप बॉक्स चलाना चाहते हैं, LED लाइट्स जलाना चाहते हैं, यह सारे डिवाइस को हम अपने इन्वर्टर से चलाना चाहते हैं। अब दोस्तों बात आता है कि कौन कितना हमें चलाना है। अब मान लेते हैं दोस्तों दो हमें फ़ैन चलाना है, एक टीवी चलाना है, सेटअप बॉक्स भी एक ही है, और ये लाइट्स जो है वो 5 जलाना है। तो ये सारे कितने वाट के हैं ये सब हमें पहले पता करने होंगे। नॉर्मल तौर पे जो 1200 से 1400 के रेंज में जो सेलिंग पंखा आता है वो 80 वाट के आसपास में आता है, तो 80 वाट इसको पकड़ लेते हैं। अगर आपका LED टीवी है तो ये LED टीवी आपको ये 100 वाट का आता है, और ये सेटअप बॉक्स 50 वाट का आता है दोस्तों, और ये LED लाइट जो है वो 9 वाट का होता है। तो ये सारे ये डिवाइस हो गए ये वाट में, ठीक है, ये हो गया दोस्तों वाट में, ठीक है, और ये हमारे डिवाइस हो गए। और ये हम दो पीस चलाना चाहते हैं, पंखा, एक टीवी चलाना चाहते हैं, एक सेटअप बॉक्स चलाना चाहते हैं, और 5 LED लाइट्स जलाना चाहते हैं। यहाँ पर दो फैन का टोटल वाट हो गया 160 वाट, ठीक है, और ये एक टीवी हो गया दोस्तों तो 100 वाट का हो गया, एक सेटअप बॉक्स हो गया तो ये 50 वाट का हो गया, 9 LED बल्ब हैं जो कि 5 पीस है तो यहाँ पे 45 वाट का हो गया, ठीक है। अब इन ये सारे डिवाइस जो हैं वो कितने वाट के हो गए ये सभी को हमें ऐड कर लेने हैं, ठीक है। ये सारे जो डिवाइस हैं दोस्तों वो हमारे हो जाते हैं 355 वाट का, ये सारे डिवाइस जो हैं वो हो जाते हैं 355 वाट का। अब दोस्तों हमें कैलकुलेट किस तरह से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों निकल के आता है कि 355 वाट का हमारा ये चीज़ है, तो हमारा जो लाइट जो है वो कितने देर के लिए कटता है, तो हमारा जो लाइट है वो 2 घंटे के लिए कट जाता है, ठीक है, ये हमारा लाइट 2 घंटे के लिए कट जाता है। तो हमें कि 1 घंटे में 355 वाट कंज्यूम करते हैं, तो ये 2 घंटा के लिए हमारा जो लाइट है वो चला जाता है, तो हम इसको इनटू कर देंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा जो हो जाता है दोस्तों 355 वाट का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो हमारा निकल के जाता है 710 वाट। अगर 2 घंटे के लिए लाइट जाता है दोस्तों तो हमारा 710 वाट ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके यहाँ जो टोटल वाट हो गया हमारा 710, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई फिर से दोस्तों हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से। वो मल्टीप्लाई दोस्तों हमें इसलिए करना है ताकि ये जो एनर्जी वेस्ट होता है जो कि वायर में करंट दौड़ता है या फिर स्विच ऑन ऑफ करने में दोस्तों जो एनर्जी लगते हैं उसको दोस्तों हमें 1.25 से हमें इसको इंटू कर देना होता है।
अब दोस्तों हमारा निकल के आता है 887.5 वाट। टोटल ये हमारा वाट निकल के आ गया दोस्तों 887.5 वाट। मतलब कि दोस्तों अगर हम ये सारे डिवाइस चलाना चाहते हैं 2 घंटे के लिए तो हमें 887.5 वाट ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम करेगा 2 घंटे में। अब दोस्तों हम इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है दोस्तों कितने से, तो 12 से हमें इसलिए डिवाइड करना है कि जो हमारा जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है, इसीलिए दोस्तों हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 887.5 को डिवाइड किया मैंने 12 से तो यहाँ पर निकल के आता है 73.95। तो ये हमारा टोटल एम्पियर निकल के आ गया दोस्तों, ये रहा एम्पियर 73.95। तो एम्पियर ये निकल के आ गया, मतलब कि हमारा जो 2 घंटे के लिए लाइट करता है हमारे एरिया में, तो अगर हम दोस्तों 2 सेलिंग पंखा चलाते हैं, 1 टीवी चलाते हैं, 1 सेटअप बॉक्स चलाते हैं, 9 LED बल्ब जलाते हैं जो कि 5 वाट की है, तो 2 घंटे हम आसानी से चला सकते हैं दोस्तों अगर हम 100 एम्पियर की बैटरी लेते हैं तो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें 73 एम्पियर ही चाहिए होता है, लगभग दोस्तों 74 एम्पियर हमको चाहिए, 74 एम्पियर 2 घंटे ये सारे डिवाइस को चलाने के लिए। तो इस केस में दोस्तों आप 100 एम्पियर का बैटरी अगर आप लेते हो तो आसानी से आप 2 घंटा ये सारा डिवाइस को है आसानी से आप चला सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका जो टाइमिंग ज़्यादा है, जैसे आपके एरिया में ज़्यादा देर के लिए लाइट चली जाती हैं, तो आप क्या कीजिएगा, जितने वाट के आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा घंटे में, ठीक है। तो आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला है दोस्तों वाट डब्ल्यू इंटू एच डिवाइडेड बाई वोल्ट, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। और इसमें दोस्तों इसमें दोस्तों 1.25 से ये इसको इनटू मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, ये 1.25 से मल्टीप्लाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।